पंचायत चुनाव गांव में कोरोना का वायरस लेकर आया और यहां पर इस तरीके से छोड़ गया है कि अब घर घर खाटे बिछी हुई हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग बीमार हैं, लेकिन उनको जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मयस्सर नहीं हो पा रही हैं। स्थिति यह है कि इस गांव में जहां पर हम इस समय खड़े हैं, इस गाँव का नाम अमेड़ा है और यह मेरठ शहर से लगा हुआ गाँव है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो नहीं पहुँच पाई हैं। चारों तरफ जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है और घर घर खाटे बिछी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो आइसोलेटेड हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। मेरे साथ गांव के जो प्रधान हैं ऋचा, उनकी पति रोबिन मौजूद हैं। सर ये बताइए कि अभी हालात कैसे हैं? हालात बहुत बुरे हैं। शहर के नज़दीक होते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं हैं। यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र है, वो आज तक नहीं खुला है। लोगों को अगर टेस्टिंग करानी पड़ रही है तो उन्हें निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है या निजी लैब से कराना पड़ रहा है टेस्ट। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरह के हालात हैं अभी हाल फिलहाल में, 4-5 दिनों में लगभग 5-6 मौत हो चुकी है कोरोना से और घर घर में बीमार पड़े हैं लोग। बुखार है, फीवर है, ऑक्सीजन के लिए मेरे पास हर रोज़ किसी ना किसी का फ़ोन आता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है लोगों को। और मैं ये चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर आए और कोरोना की टेस्टिंग कराए और यहाँ तक कि टीकाकरण का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखा जाए। अभी ये बताइए कि ये जो सब हुआ है, ये मानते हैं आप ये इलेक्शन का ही असर है और इस दौरान जैसा कि चुनाव आयोग का निर्देश था यहाँ पर स्वास्थ्य टीमों को अलर्ट रहना चाहिए था? कह सकते हैं कि थोड़ा सर चुनाव का भी पड़ा है और लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। ऐसे हालात होते हुए भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें घर में रहना चाहिए और सेफ रहना चाहिए, लेकिन लोगों को कहते हुए भी अभी भी लोग आपको घरों के बाहर खड़े हुए मिल जाएंगे, मार्केटों में भीड़ आपको मिल जाएगी। तो हमें खुद अलर्ट होना पड़ेगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, आप मानते हैं कि जो गांव में लोग हैं जो बीमार पड़े हुए हैं उनको और अच्छी सेवाओं की ज़रूरत है जो मैसर नहीं हो पा रही हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब हो या फिर जो अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि हमारे सामने स्थिति है कि लोगों को सबसे बड़ी कमी हो रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के लिए रोज़ मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, हम भी इधर उधर से कोशिश करते हैं कि लोगों को ऑक्सीजन मुहैया हो सके, लेकिन कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, लोग परेशान हैं। और बात करें दवाइयों की, तो दवाइयों की भी यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराई जाती। मेरा जानने वाला एक पेशेंट था, कोरोना पॉजिटिव था, उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई दवाइयाँ नहीं दी गई तो फिर प्राइवेट मेडिकल से उसको दवाइयाँ लेनी पड़ी। तो इस तरीके के हालात जो हैं गाँव में बने हुए हैं और स्थिति इतनी भयावह है कि लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, इसके अलावा घर घर खाटे बिछी पड़ी हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, ऐसी स्थिति में हैं कि उनको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है, लेकिन चाहे आर्थिक स्थिति की बात हो या फिर जो किल्लत है ऑक्सीजन की, बेड की, उसकी वजह से वो लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं और गाँव में हालात जो हैं और बदतर होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुधार है उसकी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर इस गाँव में जो अमेड़ा आदिपुर गांव है यहाँ पर अभी तक इलेक्शन के बाद से कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई है। राज्य सरकार जो कैंपेन चलाना चाह रही है या चला रही है उसके तहत भी यहाँ पर कोई ड्राइव नहीं चलाया गया है, कोई भी टीम नहीं आई है। यही वजह है कि लोगों को जो समुचित उपचार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र भारत, समाचार मेरठ।